करेक्शन थोड़ा लग रहा है मार्केट के अंदर, तो अभी इंडेक्स तो लो पे चल रहा है, तो इंडेक्स पे अभी फिलहाल मेरा कोई फ्रेश ट्रेड बन नहीं रहा, लेकिन नीचे ही लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी मेरे रडार पे आया है, तो स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया उसका अभी भाव चल रहा है 240.50 रुपए, 241 रुपए फ्यूचर्स के अंदर, 240-241 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है वेदांता। वेदांता के अंदर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है। वेदांता में यहाँ पे पुट लेने का सलाह रहेगा, 240 वाला पुट 7.30 रुपए 7.40 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। वेदांता का स्ट्रक्चर वीक है, पिछले 10 दिनों से ऊपरी लेवल से वेदांता में दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी मार्केट खुलने के साथ वेदांता में दबाव है, मेरे को लग रहा है कि वेदांता यहाँ से आज और एक दो दिनों के अंदर 10-12 रुपए का फॉल नीचे में दिखा सकता है, यानी 230-228 रुपए तक के लेवल वेदांता में ट्रेडिंग के लिहाज से नीचे में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन के जरिए वेदांता का 240 का पुट यहाँ पे लेने का सलाह रहेगा। 5.40 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 10 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 12 रुपए का। तो वेदांता का 240 का पुट खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, 5.40 के स्टॉप लॉस से 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बाजार में गिरावट आ रही है और वेदांता